निगरानी समिति की हकीकत जानने के लिए दौड़े प्रशासनिक अधिकारी। होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों से ली जानकारी। कमियां मिलने पर लगाई ग्राम प्रधान और आशा समिति के पदाधिकारियों को फटकार। शनिवार दोपहर को एसडीएम ढूंढला एकता सिंह, सीओ अजय चौहान, पचोखरा ग्राम पंचायत के गांव नगला गंगाराम में निगरानी समिति की हकीकत जानने के लिए गांव पर पहुंचे, जहां होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों की स्थिति की जानकारी ली। निगरानी समिति की लापरवाही सामने आने पर एसडीएम ने गाँव की आशा को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि निगरानी समिति को होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों की देखरेख के लिए तैयार किया गया है। यदि एक भी होम क्वारंटाइन किया गया व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया जाएगा तो निगरानी समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। गंगाराम का दौरा किया है, पूरा मामला क्या है? आज हमारे और सीओ साहब के द्वारा संयुक्त रूप से नंगला गंगाराम का दौरा किया गया। यहाँ पे जो निगरानी समिति है उसकी कार्यशैली और क्या कार्य कर रही है वह देखा गया। जो लोग होम क्वारंटाइन में है, 21 दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड है, जो लोग बाहर से आए हमारे प्रवासी, वो लोग होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उनके घर फ्लायर्स लगे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी गई, लोगों से बातचीत की गई, उनसे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने की अपील की गई है। तो बस इसी मंशा से आज ये दौरा किया गया है कि जो भी कोरोना से संबंधित हम सब लोग इससे बचाव के जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से फॉलो करें।